बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान जल्द ही अपने धमाकेदार और विवादित शो बिग बॉस के नए सीजन यानी सीजन 16 के साथ टीवी पर दस्तक देने वाले हैं। बता दें कि बिग बॉस कई सेलेब्स के लिए बहुत लकी रहा। इस शो के जरिए उन्हें न केवल अपार लोकप्रियता हासिल हुई बल्कि इंडस्ट्री में भी खूब काम मिला। लेकिन वहीं कुछ सितारे बिग बॉस के ऐसे भी रहे जिन्हें शो में आने के बाद पछतावा तो हुआ ही, साथ ही उनका करियर भी खराब हो गया। इस लिस्ट में कुमकुम भाग्य की नैना सिंह से लेकर अरहन खान तक शामिल है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन टीवी सितारों पर। नैना सिंह। नैना सिंह ने बिग बॉस 14 के लिए कुमकुम भाग्य को छोड़ दिया था, लेकिन शो से उन्हें केवल 2 सप्ताह बाद ही बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिल पाया। कविता कौशिक। कविता कौशिक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह जब भी बिग बॉस के बारे में सोचती हैं तो उन्हें उल्टी आ जाती है। कविता कौशिक का कहना है कि उनका अनुभव सलमान खान के शो में बेहद ही खराब रहा था। सिद्धार्थ भारद्वाज। बिग बॉस 5 का हिस्सा रहे सिद्धार्थ भारद्वाज को भी बिग बॉस में आने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। सलमान खान से बदतमीजी करने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया था। आकाशदीप सहगल। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही एक्टर आकाशदीप सहगल बिग बॉस 5 का हिस्सा थे, शो में सलमान खान से उनका खूब झगड़ा हुआ था। वहीं शो से निकलने के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि सलमान खान की वजह से इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिला। जुबैर खान। जुबैर खान बिग बॉस 11 का हिस्सा रहे थे। शो में कंटेस्टेंट से गलत भाषा में बात करने के लिए सलमान खान ने उन्हें खूब फटकार लगाई थी, लेकिन शो से बाहर निकलते ही जुबैर ने न केवल सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई बल्कि आरोप भी लगाया कि उन्हें इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं मिलेगा। अरहन खान। अरहन खान ने बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी। शो में सलमान खान ने अरहन खान की शादी और उनके बच्चे से जुड़े कई राज खोले थे, जिसके बाद वह न केवल बिग बॉस से बाहर हुए बल्कि उन्हें इंडस्ट्री में खास काम भी नहीं मिल पाया। शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे ने भले ही बिग बॉस 11 की ट्रॉफी अपने नाम की थी, लेकिन शो जीतने के बाद भी शिल्पा शिंदे का करियर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। हालांकि लंबे समय बाद झलक दिखलाजा 10 के जरिए उन्होंने पर्दे पर वापसी की है। कोयना मित्रा। कोयना मित्रा बिग बॉस 13 का हिस्सा थी, लेकिन वे शो से 2 सप्ताह में ही बाहर हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने न केवल मेकर्स की क्लास लगाई बल्कि बिग बॉस 13 का हिस्सा बनने पर खूब पछतावा भी किया। प्रियंका जग्गा। बिग बॉस 10 का हिस्सा रही प्रियंका जग्गा के लिए यह शो खास अवसर लेकर नहीं आया। उन्होंने इस शो में सलमान खान से भी खूब लड़ाई की थी।